सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी हंटर 350 में फॉग लाइट्स। तो ये अपन ने मंगाई हैं SJG की मिनी ड्राइव, जो कि अपन ने परचेज़ की हैं राइड इंडिया राइड वेबसाइट से। और जो बड़ी बड़ी फॉग लाइट्स आती हैं वो एक्चुअली अपन को पसंद नहीं है, तो इसलिए अपन ने ये सबसे छोटी वाली यही आती हैं, तो इसलिए अपन ने ये परचेज़ की हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और ये जो फॉग लाइट्स हैं ये ड्यूल कलर में हैं, यहाँ पर हमें सफ़ेद और येलो दोनों कलर देखने को मिल जाते हैं। और ये फॉग लाइट है 40 वाट की, मीन्स एक फॉग लाइट जो है वो 20 वाट की पावर कंज्यूम करेगा और एक फॉग लाइट 3 है एल्यूमिनियम की लाइट प्रोड्यूस करेगा। सो ये रहा हमारा बॉक्स और ये रही वायरिंग हार्नेस। सो अपन ने साथ में वायरिंग हार्नेस भी मंगाई है, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 1599 रुपये। वैसे इस फॉग लाइट में वायरिंग हार्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अपन ने फ्यूचर में कभी अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए अपन ने स्टार्टिंग से ही हार्नेस ही लगवाएंगे, ओरिजिनल वायरिंग से अपन छेड़खानी नहीं करेंगे। और ये रही हमारी फॉग लाइट, तो चलिए इनको बाहर निकाल लेते हैं। और इनकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 1350 रुपये। आप चाहो तो ऑनलाइन या फिर आप लोकल मार्केट से भी इनको परचेज़ कर सकते हो। और बॉक्स पे सामने कुछ स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती हैं, इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाता है ये स्विच। एक्चुअली ये जो स्विच है ये मुझे मिला है वायरिंग के साथ, वायरिंग हार्नेस, स्विच और दो रिले। तो ये तीनों चीज़ें मुझे 1599 की पड़ी हैं। तो यहाँ पे आप स्विच की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार क्वालिटी का है। और ये थ्री वे स्विच है, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्यूल कलर फॉग लाइट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर प्रेस करूँगा तो येलो और नीचे प्रेस करूँगा तो वाइट, और बीच में ये बंद हो जाएंगे। और ये रही हमारी रिले जो कि हमारी हार्नेस में लगेंगी, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से यहाँ पर ये फिक्स होंगी। और ये रहे कुछ नट बोल्ट वगैरह, और साथ में एलन की भी हमें देखने को मिल जा रही है। और ये रहे क्लैंप, यहाँ पे हम इसमें फॉग लाइट को टाइट करेंगे, फिर हम अपने लेग गार्ड में या फिर जो भी माउंट मैंने मंगाया है उसमें अपन इसको फिट करेंगे। और ये रही हमारी SJG मिनी ड्राइव फॉग लाइट, जो कि साइज वाइज काफ़ी छोटी हैं। और पीछे हमें यहाँ पे SJG की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर हमें एक फ़ैन भी देखने को मिलता है। और वेट वाइज देखा जाए तो इसका वेट काफ़ी ठीक ठाक है। और सामने की तरफ ये आप लेंस देख पा रहे हैं, जिससे ये LED की रोशनी को काफ़ी अच्छा थ्रो दे देगा। और यहाँ पे आप वायर देख पा रहे हैं, ये तीन टाइप के वायर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ड्यूल कलर फॉग लाइट है। और ये रहा इसका दूसरा पीस, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो अब चलिए वायरिंग को भी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये रही हमारी वायरिंग हार्नेस, इसकी भी क्वालिटी हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसमें जो वायर यूज़ किया गया है काफ़ी हैवी है। और यहाँ पे हमारी जो दोनों रिले थी ये इस तरीके से फिक्स होंगी। और ये हमें एक फ्यूज़ देखने को मिल जाता है, और ये जो वायर हैं ये बैटरी में कनेक्ट होंगे। और ये जो वायरिंग है ये पूरी कवर्ड है, तो यहाँ पे हीट से ख़राब होने का चांस यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और ये रहे लेग गार्ड माउंट, जो कि अपन ने SJG के परचेस किए हैं, इनकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 430 रुपये। और ये भी अपन ने सेपरेटली परचेस किए हैं, इनकी भी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रहे कुछ बोल्ट्स और एलन की, इनको अपन रखते हैं साइड में। और ये रहे हमारे माउंट, जिनकी आप क्वालिटी देख पा रहे हैं, काफ़ी हैवी क्वालिटी की ये माउंट है। और ये इस तरीके से हमारे लेग गार्ड में फिक्स होंगे। और यहाँ पे ऊपर हमारी फॉग लाइट जो है वो इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं बाइक के पास और करते हैं इनको फिक्स। तो ये रही अपनी हंटर, और ये मैं क्रैश गार्ड यूज़ कर रहा हूँ JB कंपनी का। और जो माउंट है वो यहाँ पे लगेंगे, और एक माउंट लगेगा इस तरफ। तो सबसे पहले जो हमारी फॉग लाइट्स हैं इनके साथ जो क्लैंप आए थे उनको हम फिक्स कर लेते हैं। तो इन क्लैंप को हमें लगाना है इस तरीके से, और साथ में जो LN की वाले बोल्ट आए हैं उनसे हम इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम इस तरीके से इस क्लैंप को टाइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अपन ने क्लैंप को टाइट कर लिया है। सेम ऐसे ही दूसरी वाली फॉग लाइट पे भी इस क्लैंप को अपन टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फॉग लाइट है इनमें अपन ने क्लैंप को टाइट कर लिया है। अब चलते हैं अपन मैकेनिक के पास और इनको कराते हैं इंस्टॉल। तो जो हमारे लेग गार्ड माउंट हैं इनको इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, बट यहाँ पर जो साथ में जो बोल्ट आया था
तो ये बोल्ट जो है ये काफ़ी छोटे थे और अपना जो क्रैश गार्ड है ये काफ़ी हैवी है, तो इन बोल्टों से ये जो माउंट है वो टाइट नहीं आ पा रहा था, इसलिए अपन को थोड़े लंबे बोल्ट लेने पड़े। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपन ने 8 नंबर के थोड़े लंबे बोल्ट इसमें लगाए हैं और ये जो माउंट है ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। और जो अपनी फॉग लाइट है वो अपन ऊपर साइड नहीं लगा रहे हैं, अपन नीचे साइड यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारी फॉग लाइट है ये फिक्स हो चुकी है और ये कुछ इस तरीके से फिट होगी। अभी ये जो स्क्रू है वो टाइट नहीं है, इसको अपन बाद में टाइट करेंगे लाइट के बीम के हिसाब से। और जो स्विच है इसको अपन फिट करेंगे यहाँ पे ऊपर, तो ये जो स्विच है वो कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। और अब वायरिंग वगैरह का काम पूरा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ पे फाइनली हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाइट और यहाँ पे ये येलो दोनों टाइप की रोशनी यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। तो हम ये कनेक्शन फिक्स कराते हैं पूरा, फिर मैं घर पहुँच के आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारी HJG मिनी ड्राइव फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बाइक का लुक आ रहा है और सामने से देखने में इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है कि अपनी बाइक में फॉग लाइट इंस्टॉल है भी या नहीं। और यहाँ पे इस स्विच की मदद से हम इनको सफ़ेद और पीली में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने येलो लाइट जो है वो कराई है लो बीम पे और जो वाइट लाइट है वो कराई है हाई बीम पे, और वैसे मुझे येलो बीम की ज़रूरत है तो मैंने वो लो बीम पे करा ली है। और इसकी जो वाइट लाइट है वो मैंने कराई है हाई बीम पे क्योंकि वो मुझे वैसे भी यूज़ नहीं करनी है, और आप भी अगर वाइट को यूज़ कर रहे हैं तो हाई वे पे ही यूज़ करें। और यहाँ पे दिन के टाइम में भी अगर इसकी रोशनी देखी जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कि इसकी लाइट कितनी तेज़ है। और बाकी अब रात होने का करते इंतज़ार, फिर मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और अब अपन फॉग लाइट को करने वाले हैं ऑन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कितनी ज़्यादा ब्राइट है, ये अभी मैंने येलो वाली बीम को ऑन किया है जो कि लो बीम है, और ये है हमारी वाइट बीम जो कि मैंने इसको हाई बीम पे सेट किया हुआ है। और आगे मैंने काफ़ी सारे सैंपल्स लिए हुए हैं और ऊपर मैंने टाइटल भी डाल दिया है कि मैं किस टाइम कौन सी लाइट को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आगे आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे सामने से मैं दिखाऊं तो ये रही हमारी लो बीम और ये रही हमारी हाई बीम जो कि वाइट है। इससे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा चकाचौंध हमारी आंखों में लग रही है। सो गाइस ये था हमारा फुल रिव्यू HJG मिनी ड्राइव के ऊपर और आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉग लाइट है वो किस तरह की हमें रोशनी प्रोवाइड करती है। और अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हो तो ऑफलाइन मार्केट में इसको परचेस कर सकते हो। अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।